जीते जी जिंदा लाश बने तीन भाई बहन दुर्लभ बीमारी से नर्क बना दो भाई और एक बहन का जीवन केवल एक खाद तक सिमटी भाई बहनों की जिंदगी बड़ा भाई अठारह साल से तो बहन चौदह साल से खाट पर पड़े हैं जवानी में भाई बहनों को बीमारी ने दिया मोहताजी का दंश डॉक्टरों भी नहीं समझ पाए बीमारी तो खड़े किए हाथ लाचारों की पुकार रहम खाए राज्य सरकार डिडवाना जिले के ग्राम खरेश के एक परिवार के तीन सदस्य लाचारी का जीवन जीने को मजबूर है इस परिवार के तीन भाई बहन पिछले कई सालों से ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसने इन्हें न केवल लाचार बना दिया बल्कि उनकी जिंदगी को भी बदरंग बना दिया इस बीमारी ने न केवल उन्हें जिंदगी भर के लिए मोहताज बना दिया बल्कि अपने माँ बाप के लिए भी उन्हें बोझ बना दिया हालात यह है कि जिन जवान बेटों के कंधों पर, पर परिवार की जिम्मेदारी आनी थी अब उनकी ही जिम्मेदारी बूढ़े माँ बाप के कंधों पर आ पड़ी है बीमारी भी ऐसी कि आज तक कोई भी डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सके हैं खाट पर दिख रहे इन भाइयों को देखिए बड़ा भाई मुकेश है जबकि छोटा भाई का नाम पुखराज है जबकि इनकी बहन का नाम प्रिया है लेकिन विडंबना देखिए कि मुकेश ने 18 साल और पुखराज ने 13 साल खाट पर ही गुजार दिए जबकि प्रिया भी 14 सालों से खाट पर जीवन व्यतीत कर रही है भाई बहन के पैरों को गौर से देखिए ये वो पैर हैं जो कभी सीधे चलते थे और दौड़ते भी थे ये कदम कभी इतना चले थे कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय हो जाए लेकिन अब इन पैरों में दौड़ने की हिम्मत तो दूर चलने और खड़ा होने तक की ताकत भी नहीं है ये पैर इतने लाचार हो चुके हैं कि अब अपने खुद के जिस्म का वजन तक सहन नहीं कर सकते दरअसल डिडवाना के ग्राम खरेश के रहने वाले भंवरलाल बेहद गरीब है उनकी तीन संतानें हैं सबसे बड़ा उनका लड़का मुकेश है जिसकी उम्र अब उनतालीस साल हो चुकी है उनकी इकलौती बेटी प्रिया भी पैंतीस साल की हो चुकी है वहीं सबसे छोटा बेटा पुखराज तैंतीस का साल का हो चुका है इन तीनों को ही एक अजीब बीमारी ने घेर रखा है लंबे समय तक तो इस बीमारी का कोई पता नहीं चल पाया है और जब बीमारी का पता चला तो उसका कोई इलाज ही अब तक नहीं मिला है आपको बता दें कि भंवरलाल प्रजापत की संतानों को दुर्लभ बीमारी है इस बीमारी में जैसे ही यह बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तभी यह बीमारी उन्हें जकड़ लेती है और उन्हें जवानी में ही लाचार बना देती है इस दास्तान में सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली बात यह है कि तीनों भाई बहन जैसे ही 21 साल की उम्र में कदम रखते हैं तभी उन्हें यह दुर्लभ रोग जकड़ लेता है रोग भी ऐसा जिसका आज तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है करीब 18 माइनस उन्नीस साल पहले मुकेश इसकी चपेट में आया उस समय अचानक उसके पैरों में कंपन होने लगा धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये रोग इतना फैल गया कि उसके पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया और मुकेश खड़ा होने में भी असमर्थ हो गया अंततः लाचार होकर उसे खटिया पकड़नी पड़ी ये वो समय था जब भावरलाल प्रजापत को मुकेश से काफी उम्मीदें थी कि वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि जिस उम्र में माँ बाप को सहारा चाहिए वो खुद जवान बेटा माँ बाप का सहारा बना है समय बीतता गया और कुछ सालों पहले भावरलाल ने अपनी बेटी प्रिया के हाथ पीले कर दिए शादी के दो साल बाद प्रिया ने बेटी को जन्म दिया लेकिन जैसे ही प्रिया इक्कीस वर्ष की हुई वैसे ही उसे भी भाई की तरह इस दुर्लभ बीमारी ने जकड़ लिया ससुराल में वो भी उसी हालातों में चली गई जिसका दंश उसका भाई मुकेश झेल रहा था दिक्कतें यही नहीं थमी उसकी बीमारी और बढ़ती लाचारी देखकर प्रिया के पति और ससुराल वाले प्रिया को उसके ससुराल छोड़ गए तब से प्रिया अपने पिता के घर पर खटिया पर बैठी अपनी नन्ही बेटी के बारे में सोचती रहती है कुछ सालों बाद भावरलाल का तीसरा बेटा पुखराज ने भी जवानी की दहलीज पर कदम रखा और वह भी इस अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गया कभी स्कूल में दौड़ने कूदने वाले उसके पैर भी अब लखड़ाने लगे और वह भी खाट पर लेटने को मजबूर हो गया भंवरलाल ने अपने संतानों के इलाज के दूर दूर तक के इलाकों से इलाज करवाया लेकिन कहीं भी ना तो बीमारी समझ में आई और ना ही किसी भी प्रकार के इलाज से फायदा हुआ भंवरलाल ने दीडवाना जयपुर अहमदाबाद अजमेर मुंबई आदि जगहों पर अपने बच्चों का इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि रोग अपने पैर पसारता गया या यूं कहें कि विकराल रूप धारण करता गया बीते पंद्रह सालों में इस परिवार पर क्या क्या बीती वो बयान नहीं हो सकता भंवरलाल ने अपने बच्चों के इलाज के लिए जगह जगह ठोकरे खाए खूब पैसा बहाया जमीन तक बिक गई धार्मिक अनुष्ठानों के भी चक्कर लगाए इलाज के लिए दर दर भटकने के बावजूद कोई सुधार नहीं होने से अब भंवरलाल भी मायूस होकर बैठ गए हैं किस्मत तो भंवरलाल और उसके परिवार से रूठी है लेकिन प्रशासन और सरकार को भी इन लाचारों की परवाह नहीं है उन्हें सरकार से अब तक कोई सहायता नहीं मिली है हालांकि पंचायत स्तर पर पिछले दिनों उन्हें पेंशन बीपीएल जैसी सुविधाएं मिली है लेकिन इलाज के नाम पर उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है ऐसे में उन्हें अपने बच्चों के साथ ही अपनी और अपनी पत्नी के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है साथ ही उनके मन में तरह तरह के सवाल भी उठने लगे हैं जिनका शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं है अपने बच्चों की इस तरह की लाचारी किसी को भी परेशान कर सकती है जो माँ बाप अपने बच्चों से बुढ़ापे का सहारा बनने की आस लगाए बैठे थे उन्हीं पर अपने इन लाचार बच्चों की जिम्मेदारी आ पड़ी है। हालांकि माँ बाप अपनी संतानों की खातिर तमाम तरह के कष्ट झेल रहे हैं लेकिन सरकार और प्रशासन को चाहिए कि भंवरलाल और उनकी संतानों की इस परेशानी को समझे और उनकी मदद करे बच्चों के इलाज के लिए भी सरकार को पहल करनी होगी तभी इनकी लाचारी खत्म हो सकेगी उम्मीद है कि पीड़ितों की और राज्य सरकार का ध्यान जाएगा और वो इन लाचार जिंदगियों के साथ-साथ पीड़ितों के मां-बाप की आर्थिक स्थिति को समझते हुए इलाज के अलावा भविष्य में जीवन यापन का रास्ता प्रशस्त करेगी आपके जो तो बच्चों की बीमारी थी हाँ। उससे पहले आपका अच्छा खासा परिवार था आपका आर्थिक स्थिति भी सही थी फिर क्या हुआ आपके साथ में आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई और सरकार से प्रशासन से आपको पंचायत से किस तरह की सुविधा मिल रही है? अभी सरकार से पंचायत से मेरा 2000 रुपया पीएम मोदी वाला आता था मुआवजा भी नहीं आया और मतलब मैडम एसटी मैडम कह दियो वीडियो कह दियो मकान बनाओ कुछ भी मतलब सहायता कौनगिरी हम्म ठीक है आपके जो बच्चे हैं कितने बच्चे हैं और इनकी क्या दिक्कतें तीन बच्चे हैं, एक लड़की है दो लड़का है और तीनों की मतलब हालत बहुत गंभीर है टट्टी पेशाब खाट में करना पड़े खानो पीनों खाना पड़े और आर्थिक परिस्थिति बहुत बेकार है छान के अंदर मतलब पानी पड़े सर्दी आवे भी, अटे बीजा और इनमें तकलीफ है पानी है सर्दी है सब परेशानी धूप हूँ हर वो चीज़ हूँ परेशानी है दिक्कत का समस्या का है आँखें दिक्कत तो है की उठनी बैठनी आवे कौन चालनी आवे कौन सब कुछ खाणु पीणु मैं दो दोनों लोग लुगा ही करा हाँ बात बीस साल तक बिल्कुल रहता खेलता पढ़ता लिखता सब ठीक था बीस साल बाद में धीरे धीरे जिंदगी लसाँ की जिस तरह का उगा वो चालनी फिरनी खाट में सब कुछ करना पड़े और तो, तो मतलब को सारो ही खानों पीनों करना पड़े माने ने दिक्कत बहुत ज़बरदस्ती है पहले कुछ भी को नहीं पहले ठीक है पढ़ता लिखता सब कुछ अच्छा तो ये क्यों हुई दिक्कत क्या समस्या अब धीरे धीरे मतलब मैं बम्बई हॉस्पिटल में एम्स में एस एम एस में सब जगह दिखा और जोधपुर सब अजमेर दिखा दियो और कोई मतलब तो रात को नहीं मिली हाँ बात तो डॉक्टरों को डॉक्टर ने मतलब एक मतलब बेंगलोर में रिपोर्ट मंगवाई और मंगाई के बस को काम हाँ बिल्कुल वो परिवार एक दुखी परिवार है उनके तीन लड़के तीनों लड़के के जो ऐसी बीमारी है वो चल नहीं सकते उसमें हमारे गांव के सभी बामाशाओं ने सभी ने सहयोग करके हमारे पंचायत द्वारा भी सहयोग किया गया है हमारे सभी लोगों ने मिलने वाले और गांव के दूसरे भी हमारे विधायक महोदय जी ने भी दो बार उनको सहायता राशि दी है हमारे अधिकारी भी आते हैं देते हैं और हम भी चाहते हैं अगर सरकार से अलग और कोई सहायता उस परिवार को मिले तो बहुत अच्छा हो और हम उसके साथ हैं हम हमारे निजी तरीके से जो भी हमारी उनके लिए सहायता के लिए जो भी वो कहेंगे तो हम तैयार हैं और हमारी जितनी भी शक्ति शक्तिशाली होगी उतनी हम सहायता करेंगे उसकी हाँ ये अभी तो ऐसा कोई प्रकरण हमारे ध्यान में नहीं है लेकिन पूर्व में मेरी यहाँ पोस्टिंग रही थी तब खरेस में इस तरह का एक परिवार था जिसमें बच्चे की उम्र 18 से 20 साल होते ही और उनको कोई इस तरह की विकलांगता आ जाती थी तो उस समय हम लोग वहाँ मौके पर भी गए थे और उनको उस समय जो भी योजना थी उन योजनाओं का लाभ भी दिलाया था अब हम इसको दिखवा लेंगे अगर किसी योजना में वो पात्रता रखते हैं तो उनको लाभ दिलाएंगे दिर्ण को दिर्ण को। है ऐसा है? जैसा कि मुझे मालूम चला है ऐसा है कि उनमें जो जीन है एस पी जी इलेवन जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ है म्यूटेशन मतलब उसमें कुछ बदलाव हो गए हैं अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो उस बदलाव के कारण अब उनके जो बच्चे हैं उनमें जो पैरों के मांसपेशी है पैरों की नर्व्स है वो उस तरह से बनी नहीं है जैसे नॉर्मल इंसान में बनती है इसके कारण उनके पैर काम नहीं कर रहे उनको पैराप्लेजिया हो रखा है ठीक है और ये जो म्यूटेशन है ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है ये जेनेटिक होता है अब ये नई तरह की दिक्कत है इनको कोई ऐसा कॉमन नहीं है ये चीज़ बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है ये तो कोई नहीं अभी तो ऐसा नहीं है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम कुछ कर पाए जीन थेरेपी वगैरह होती है वो अंडर ट्रायल है पर जिसमें ये बीमारी हो जाती है उसमें कोई समाधान नहीं है आने वाले बच्चों के लिए इनके हम कुछ कर सकते हैं वो भी अंडर ट्रायल है उसका भी अभी ऐसा नहीं है इंडिया में बहुत जगह होती नहीं है ये बहुत कम सेंटर है जैसे एम्स है या फिर एक दो सी एम सी वेलोर है उन सेंटर्स पर ही होती है बताएँ क्या है ये पूरा प्रकरण किस तरह की सरकार से मांग करेंगे ये ग्राम खरेश में भवनलाल प्रजापत नाम का एक व्यक्ति है उसके तीन बच्चे हैं दो लड़के एक लड़की है तो ये जब तीनों बच्चे अठारह अठारह की उम्र के होते हैं तब उनको ये बीमारी अपनी गिरफ्त में ले लेती है और इन्होंने भवनलाल जी पहले वो बम्बई में किसी मील में काम करते थे वहाँ से नौकरी छोड़ के इनको बार बार कभी जयपुर बीकानेर जोधपुर बम्बई पूना मद्रास कहीं नहीं छोड़ा सभी जगह इनको दिखाया मगर आज तक ये बीमारी किसी के पकड़ में नहीं आई और ये दिन प्रतिदिन अपना काम छोड़ के घर पे आके बैठ गए हमने पहले भी सरकार से कई बार मांग की थी प्रशासनिक अधिकारी लोग जाके भी डॉक्टरों को भी दिखवाने की शिफारिश की थी गाँव वाले मदद भी करते हैं बाहर के लोग भी करते हैं मगर ये बीमारी इनका कोई समाधान नहीं है पूरा घर आज बर्बाद हो चुका है कमा कर खाने वाला या कोई कमाने वाला आदमी बचा नहीं है उन तीनों लड़कों के माँ और बाप है वो दोनों उनकी सेवा में चौबीस घंटे लगे रहते हैं तो आर्थिक स्थिति उनकी इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब उनका खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार इनका खर्चा वहन करे या इनको कोई सुविधा देवे या इनकी कोई दुआई दिलवावे मगर ये ठीक हो नहीं रहे